हेलो। ओके तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं पहले आपके साथ। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है? ओके स्क्रीन दिख रही है बच्चे सभी को? और यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके सर और मतलब काफी टाइम यहाँ पर बीत गया है तो मैं अटेंडेंस नहीं अभी आपकी मतलब लाइव नहीं लेते हैं। आप अपनी चैट बॉक्स में यस सर। अटेंडेंस एक बार फिर डाल दो। जिन्होंने डाल भी दिया ना एक बार फिर डाल दो। ठीक है दोबारा डाल दो एक बार अटेंडेंस। तो हाँ तो प्रपोजिशनल फंक्शन हमने शुरू किया था। तो प्रपोजिशनल फंक्शन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो प्रोपोजिशनल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्रोपोजिशन दैट इज अप्लाइड टू अ प्रोपोजिशन विद अ वेरिएबल। ठीक है विद अ वेरिएबल और विद अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। एक भी हो सकती है एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकती है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस हम देख सकते हैं पी एक्स। ठीक है यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल हो गया जो कि यूज होगा ऑब्वियसली आपकी प्रोपोजिशन के अंदर लाइक एस एक्स इज ऑनेस्ट या ऐसे कोई क्यू एक्स हो सकता है एक्स इज मैमल। ठीक है तो ये एक्स आपके क्या है ये वेरिएबल है। क्यू एक्स क्या है ये प्रपोजिशनल फंक्शन है। और क्यू एक्स किसको रिप्रेजेंट करती है एक प्रपोजिशन को ही रिप्रेजेंट करती है एक स्टेटमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है जो कि दैट मे कंटेन सम वेरिएबल्स। ठीक है उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं एक या दो तीन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि किस बेसिस पे है वो आपकी प्रपोजिशन। ऑब्वियसली आपको जो इस लेवल पर होंगे एक या दो वेरिएबल के प्रपोजिशन फंक्शन आएंगे। नेक्स्ट आपको दो क्वांटिफायर्स होंगे देयर विल बी टू क्वांटिफायर्स। फर्स्ट इज जिसका सिंबल है ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और दूसरा है दूसरा कौन सा है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल। एक्सिस्टेंशियल ठीक है ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस मे बी बट इसको ब्रेक करके आप करो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका सिंबल ये है। इसको देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं और इसको इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ये मैंने आपको बताया था फॉर सम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन। अगर कुछ ऐसा हो तो वहां पर आप ये क्वांटिफायर यूज कर सकते हो यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये आपका फॉर ऑल कहते हैं हम इसको फॉर ऑल एवरी ऑल इस तरीके की चीज के लिए यूज हो सकता है। एवरी फॉर ऑल ईच ईच एंड एवरी कुछ ऐसा सेंटेंस हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है और प्रोपोजिशन के लिए जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं ये कंजंक्शन डिसजंक्शन सॉरी ये डिसजंक्शन ये कंजंक्शन निगेशन इम्प्लीकेशन इक्वलेंस ये जो आपने पढ़े हैं ये सभी आपके सेम ही होंगे।
हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है ना आवाज सभी यस को? सर। हाँ, तो आगे मूव करते हैं अब। तो यहाँ पर दो चीजें हमने और की थी। एक मैंने कहा था आपको ऑर्डर, तो मैं पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि कुछ ऐसे फॉर ऑल एक्स पी एक्स। एक और चीज यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ, ये एक्स की ना कोई यूनिवर्स होगी। एक्स किसी ना किसी यूनिवर्स से आया होगा, ठीक है? किसी ना किसी यूनिवर्स से आया होगा। एक्स इज ऑनेस्ट, लेट से हम कह सकते हैं एक्स इज पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर हमारी स्टेटमेंट सपोज है कुछ ऐसा है, हमारा फंक्शन फॉर ऑल एक्स पी एक्स, मतलब सभी एक्स के लिए पी एक्स है, मतलब एक्स इज ऑनेस्ट फॉर ऑल एक्स, और एक्स क्या है आपके? पीपल ऑफ इंडिया। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बनेगा? ऑल, ठीक है, फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया इट कैन बी सेड, ठीक है? ये अभी एक फॉर्मल नहीं बना रहा हूं मैं, इनफॉर्मल सा स्टेटमेंट। कैन बी सेड दे आर ऑनेस्ट, तो ये इनफॉर्मल एक सेंटेंस बन गया है ना, जिसको देख देख के बना रहा था मैं। फॉर ऑल एक्स मतलब फॉर ऑल एक्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। पी एक्स इज ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट, ठीक है? इट कैन बी सेड दे आर ऑनेस्ट। उसको फॉर्मल सेंटेंस बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट। बच्चे अटेंडेंस ऑब्वियसली आई होप सभी ने मार्क कर लिए है, आर ऑनेस्ट। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है बच्चे सभी को? यस दो दो ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या आपको स्टेटमेंट दी होगी कहा गया होगा फॉर्मूला बनाओ, या आपको फॉर्मूला दिया होगा कहा गया होगा स्टेटमेंट बनाओ। और स्टेटमेंट जब आप बनाते हो ना, स्टेटमेंट बनानी होती है तो हमेशा एक रफ वर्क में, नॉट इन द फेयर वर्क, रफ वर्क में ना एक इसको मूव करते करते एक स्टेटमेंट बना देनी है और उसको फिर छोटा कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे स्कोप। जो आपका ये फॉर ऑल है और देयर एग्जिस्ट है, इसका स्कोप ना, जैसे सपोज ऐसा लिखा है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, तो इसका स्कोप कहाँ तक है? सिर्फ यहाँ तक है। अगर कुछ ऐसा लिखा है फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू एक्स, तो इसका स्कोप जो है सिर्फ यहाँ तक ही है, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट होगी तो इसका स्कोप कहाँ तक है? पूरे यहाँ तक। बिना ब्रैकेट के ऑब्वियसली एक ही प्रपोजिशन फंक्शन के ऊपर हम ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट एक्सप्लिसिटली गिवन है तो ये फॉर ऑल एक्स इस पूरे के पूरे आपके एक्सप्रेशन के ऊपर इसका स्कोप है। क्या है? स्कोप। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में क्या होता है कि लेट से आपको फॉर ऑल एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर एक फॉर ऑल वाई दिया हुआ है, और ऐसा दिया हुआ है पी एक्स वाई समथिंग, कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको ना ऑर्डर चेंज कर सकते हो उसका, मतलब पहले वाई लगा दो फिर एक्स लगा दो, कर सकते हो। अगर दोनों आपके क्वांटिफायर सेम है, फॉर ऑल है चेंज हो सकता है, देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट है तो भी इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। एक्स वाई की जगह पे हम वाई एक्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक फॉर ऑल है दूसरा देयर एग्जिस्ट है तो ये बराबर इक्वलेंट नहीं है, देयर एग्जिस्ट पहले और फॉर ऑल बाद में नहीं लिख सकते आप। ये हो गई ऑर्डरिंग। एक होता है बच्चे निगेशन। निगेशन बहुत छोटी सी चीज है। अगर आपका फॉर ऑल एक्स पी एक्स ऐसा एक फॉर्मूला दिया हुआ है और कहा है इसका निगेशन करो, तो आपने इसका निगेशन किया ये देखो ऐसे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, निगेशन को अंदर ले जाओ, ठीक है, वो पी एक्स के साथ लग गया, और बाहर आपका सिंबल चेंज कर सकते हो आप, ठीक है? फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट हो जाएगा,
देयर एग्जिस्ट है तो फॉर ऑल हो जाएगा. निगेशन आप अंदर लेके जा सकते हो, उसके स्कोप के अंदर ले जाओ. इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक बच्चे क्लियर है सभी को? यस सर. ये बेस है आपका प्रोपोजिशनल फंक्शन का. तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस. कल हमने एक क्वेश्चन किया था पहले, मैं उसी के हिसाब से इस बार मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूं. आई होप आप सबके पास बुक है. तो क्वेश्चन था, अब इसको ध्यान से सुन लो. आपको बस फॉर्मूले दिए हुए हैं, फॉर्मूले से आपने क्या बनाना है? स्टेटमेंट बनाना है. फॉर्मूला दिया होगा तो स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट दिया होगा तो फॉर्मूला बनाना है. तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ. ओवर द यूनिवर्स ऑफ बुक, तो मैंने आपको बताया था हर एक प्रपोजिशन में जो वेरिएबल होंगे उनकी यूनिवर्स होगी कोई, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होगी. तो यहाँ पर यूनिवर्स किसकी है? बुक्स की. तो ये सबसे पहले नोट कर लेना कि यहाँ पर आप जो एक्स वाई जो भी होगा वो क्या होगा, बुक्स ही होंगी, सिर्फ और सिर्फ बुक्स होंगी. तो आगे डिफाइन द प्रपोजिशन बी एक्स, तो बी एक्स एक प्रपोजिशन दी हुई है. बी एक्स का मतलब क्या है? एक्स हैज अ ब्लू कवर, ठीक है. और ऐसे ही आपको एक एम एक्स दिया हुआ है. एम एक्स मतलब एक्स इज अ मैथमेटिक्स बुक. सिमिलरली आपका एक और दिया हुआ है यूएक्स, एक्स इज पब्लिश्ड इन यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है. और एक दिया हुआ है आर एक्स वाई. मैंने आपको बोला हुआ है दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. तो यहां पर इसने लिखा हुआ है द बिब्लियोग्राफी, ये आई थिंक मैंने कल एक्सप्लेन किया था. इन केस किसी ने दोबारा एक्सप्लेन करवाना चाहता है तो बोलो बच्चे जल्दी. सर रिपीट कर दो. ठीक है, तो इसमें बच्चे दो वेरिएबल आते हैं. एक वेरिएबल आता है तो सिंपल ही है कि एक ही वेरिएबल है और उसके उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाना है सीधे तरीके से. जब आते हैं दो वेरिएबल, तो अब उसने क्या कहा, द बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी सभी को पता है क्या होती है ना? बिब्लियोग्राफी बच्चे एक तरीके की रेफरेंस होती है. अगर मैंने कोई एक चीज बना रहा हूँ, एक मैं कुछ पेपर लिख रहा हूँ या कोई बुक लिख रहा हूँ, तो मैं कुछ और बुक्स को भी रेफर करता हूँ. तो मैं जिन जिन बुक्स को रेफर करता हूँ मैं उनको बिब्लियोग्राफी में लिख देता हूँ कि मैंने इन इन बुक्स को रेफर किया हुआ है. तो अब वो क्या कहता है, द बिब्लियोग्राफी ऑफ एक्स, मतलब एक बुक है, बुक एक्स, उसके अंदर एक सेक्शन है बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी का एक सेक्शन है. बुक एक्स की बिब्लियोग्राफी में ना बुक वाई का रेफरेंस मिलेगा आपको, मतलब कि बुक एक्स की बिब्लियोग्राफी में बुक्स वाई है, मतलब बुक एक्स ने बुक वाई को रेफर किया है. बुक एक्स बनाने वाले ने बुक वाई को पढ़ के थोड़ा सा उसको यहां पर यूज किया है, ठीक है. मतलब एक्स बुक लिखते वक्त वाई को यूज किया गया है. बुक एक्स में वाई की क्या है, बिब्लियोग्राफी है. क्लियर है? उल्टा नहीं बोलना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है. इज दैट ओके नाउ? यस सर. सभी को समझ में आया? अब चलो हाँ बोलो बोलो बेटे. सर 11 रोल नंबर बीसीए का ना वो किसी और जगह पे है, लेकिन वहां पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कनेक्ट नहीं हो रहा. कोई इशू नहीं बच्चे, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो मैं इसको डाल दूंगा okay, शाम sir. को, ठीक है. ओके सर. ओके, तो अब क्वेश्चंस करते हैं. कल वाला क्वेश्चन एक रिपीट ही कर देते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 13 मिनट 14 मिनट हैं, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इसको अच्छे से समझ लें. तो यहाँ पर उसने फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये इसके ऊपर ब्रैकेट जरूरी नहीं है लगाना, ठीक है. जब आप फॉर्मूला बनाओगे इट्स नॉट कंपलसरी फॉर यू, बट ऑब्वियसली ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी से पता लग जाता है हमें कि हाँ ये ऐसी चीज है. अब देखो इसका स्कोप कहाँ तक है बच्चे, अभी अभी हमने किया है, इसका स्कोप कहाँ तक है? यहां तक है सिर्फ
पूरे तक है, पूरे तक पूरे कैसा है? पूरे तक। पूरे तक है क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, पूरे तक है। अब बड़े ध्यान से देखो, जब इसको स्टेटमेंट बनाना है, इसका स्टेटमेंट बनाना है हमने, ठीक है, सेंटेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो देयर जब पहले इनफॉर्मल लिखनी है, रफ सी एक स्टेटमेंट बनानी है, साइड में ना शीट पे लाइन मार के एक रफ सी स्टेटमेंट बना लेनी है, या अपने माइंड में रफ सी स्टेटमेंट बना लेनी है, लिख के बनाओगे दैट विल बी बेटर। ये एम एक्स का मतलब क्या है, एम एक्स का मतलब क्या है, मैथ्स बुक, एक्स इज अ मैथ बुक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कंजंक्शन का, कंजंक्शन का मतलब क्या है बेटा, एंड बी एक्स का मतलब क्या है, बी एक्स का मतलब एक्स हैज अ ब्लू कवर, एक्स हैज अ ब्लू ब्लू कवर, कवर, और ये निगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट नॉट नॉट, मींस एक्स नॉट हैज नॉट ब्लू नॉट, कवर, और इसका मतलब है एक्स हैज ब्लू कवर। तो नॉट और बी एक्स का क्या मतलब होगा, एक्स हैज नॉट ब्लू एक्स हैज कवर, नॉट अ ब्लू एक्स, कवर। हाँ यहाँ थोड़ी सी अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना, एक्स डज नॉट हैव अ ब्लू कवर, हैज अ ब्लू कवर, सॉरी, एक्स डज नॉट हैव अ ब्लू कवर। कोई नहीं, इज दैट ओके, यहां तक क्लियर है। तो इसको पूरी सेंटेंस में यस बोलता हूं, देयर एग्जिस्ट, एक्स एक्स इज मैथ्स बुक, है ना, यही है पहला, तो एक्स इज मैथ्स बुक यस सर, बुक, एंड एंड ही है ना, हाँ, और एक्स डज नॉट हैव ब्लू कवर, या एक्स इज नॉट ऑफ ब्लू कवर, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, है ना। यस सर, ठीक है, अब देखो ये थोड़ी सी इनफॉर्मल सी है, हम ऐसे तो बोलते नहीं है ना नॉर्मल भाषा में, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज मैथ्स बुक्स एंड एक्स डज नॉट हैव अ ब्लू कवर, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो इसका मीनिंग नो आप सर, समझो, इसका मीनिंग समझो, हाँ जी बच्चे, आप, हेलो, आवाज आ रही है, यस सर, अब देखो, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज मैथ्स बुक्स, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, अब एक्स क्या है, यहां पर उसने पहली लाइन में बता दिया देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज अ मैथ बुक, तो देयर एग्जिस्ट मैथ बुक, ये कट हो सकता है ना, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज अ मैथ बुक, तो ये हम कट कर सकते हैं ना, तो ऐसे आ जाता है देयर एग्जिस्ट मैथ बुक, हो सकता है ना, यस सर, एंड एक्स डज नॉट हैव, एंड यहां अब एक्स क्यों यूज करें, तो यहां दैट डज नॉट हैव अ ब्लू कवर, ठीक है जी, क्लियर यस है। सर, तो देयर यस सर, एग्जिस्ट अ मैथ बुक दैट डज नॉट हैव अ ब्लू कवर, इसको आप और भी तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसे देयर एग्जिस्ट को हम सम भी लिख सकते हैं, सम मैथ्स बुक, मैथ बुक्स डज नॉट हैव ब्लू कवर, तो ये भी लिख सकते हैं हम,
अब इस पर है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना सेंटेंस बनाते हो। मीनिंग यहां भी सही है, अगर आप यहां तक भी छोड़ देते हो, देयर एग्जिस्ट मैथ बुक दैट डज नॉट हैव अ ब्लू कवर, लेकिन कहीं पे भी सेंटेंस बनाते वक्त ये एक्स ये नहीं आना चाहिए, वहां पे गलत हो जाएगी बात फिर। ठीक है, एक्स नहीं आना चाहिए कहीं भी, एक्स आपने काटना ही है। इनफॉर्मल बनाते वक्त आप जरूर यूज कर सकते हो क्योंकि वो तो आप रफ काम पे कर रहे हो, लेकिन जब फॉर्मल सेंटेंस आएगा कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसमें। क्लियर है? इसको बच्चे दोबारा रिपीट करने की जरूरत है कि समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करें। यस सर, नेक्स्ट। हाँ ओके, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। बच्चे किसी का कोई डाउट है अनम्यूट करो, पूछो। हाँ जी बोलो। सर, जहाँ पर आपने एंड को क्रॉस करके डैट लगाया है, वहां पर हम एंड भी एज इट इज रहने दे ही सकते हैं। 1 सेकेंड, देयर एग्जिस्ट मैथ बुक एंड इट, यहां पर एंड अगर आप रहने देते हो तो एंड लिखो यहां पे, कोई इशू नहीं है। एंड इट डज नॉट हैव, क्योंकि यहां पर एक्स को हटाना है ना, इट डज नॉट हैव ब्लू कवर, मीनिंग फिर भी सेम ही है ना, डिफरेंट तो हुआ नहीं। एंड लिख दो, दैट लिख दो, विच लिख दो, कंजंक्टी करना है हमने। यस सर, समझ आया ना, आई ना बात, कंटेक्स्ट सेम रहना चाहिए। मीनिंग देखो, देयर एग्जिस्ट लिख दिया और सम लिख दिया, मीनिंग तो सेम ही है। देयर एग्जिस्ट मतलब कोई ना कोई मैथ बुक तो है, सम लिख दिया तब भी ठीक है क्योंकि कुछ बुक्स हो सकती हैं जो कवर ब्लू नहीं है। देयर एग्जिस्ट लिखना है, देयर एग्जिस्ट लिख दो, सम लिखना है, सम लिख दो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट थोड़ा सा बेटर साउंड करता है, जो इससे मैच भी कर जाएगा, आपको याद भी रहेगा। समझे ना बात? तो सेंटेंस जो यस बनेगा, जो ये सेंटेंस आपका बना है, इसका जो मीनिंग निकल के आता है, और जो आपने ये फेयर सेंटेंस बनाया है, फॉर्मल सेंटेंस बनाया है, इनका जो मीनिंग निकल रहा है वही इसका मीनिंग निकलना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, फिर आप चाहे दैट यूज करो, एंड यूज करो, विच यूज करो, आप पे है। ठीक है, कंजंक्ट कैसे करनी है, और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। इज दैट ओके? इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, यस नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, फॉर ऑल एक्स एम एक्स, ठीक है, यू एक्स इंप्लाइज बी एक्स, और अब इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं हम जैसे पहले पढ़े थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर फॉर ऑल ऑल एक्स, ठीक है, इसका स्कोप पूरे के ऊपर ही है। अब अंदर आते हैं ब्रैकेट के अंदर, एक्स के इसका मतलब क्या है, एक्स इज अ मैथ बुक। ठीक है, मैथ बुक, इसका मतलब, एंड एंड का मतलब, एक्स इज पब्लिश्ड इन यूएस यूएसए। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, इसका मतलब इम्प्लाइज, बच्चे इम्प्लाइज छोड़ना होगा, क्या मतलब होता है इसका, जैसे इसका मतलब एंड होता है, इफ देन है ना, इफ देन, तो देन इसका मतलब एक्सेस बुक इट हैज ब्लू कलर एक्स हैज ब्लू कवर, ऐसे ही होगा है ना। तो अब देखो, फॉर ऑल एक्स, एक्स इज मैथ बुक, तो यहां काट दो, फॉर ऑल मैथ बुक एंड एक्स इज पब्लिश्ड इन यूएस, फॉर ऑल मैथ बुक पब्लिश्ड इन यूएस, ठीक है, या विच आर पब्लिश्ड इन यूएस, दैट आर पब्लिश्ड इन यूएस, फॉर ऑल मैथ बुक विच आर और दैट आर पब्लिश्ड इन यूएस, ठीक है, देन एक्स हैज ब्लू कवर। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं हम, ऑल मैथ
मैथ बुक्स दैट इज पब्लिश्ड ठीक है, दैट इज या विच आर अप टू यू, ऑल है ना, बुक्स हैं तो ऑब्वियसली आर आएगा, दैट इज नहीं आएगा, एट आर पब्लिश्ड इन यूएसए यूएस ठीक है, हैव या हैज नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बुक्स की बात हो रही है, हैव ब्लू कवर कवर। कवर अब बच्चे इन दोनों को हमने साथ में जोड़ा और फिर देन ये आया, ये भी आपका सेम क्या चीज होती थी, ये प्रेसिडेंस होती थी, पहले ये सॉल्व होगा ना फिर ये सॉल्व होगा, एक्चुअल में अगर आप ब्रैकेट डालो तो ऐसे डालोगे ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा, है ना, इम्प्लाइज बाद में सॉल्व होगा, पहले आपका कंजंक्शन सॉल्व होगा, ऐसे ही होता था ना, तो इसलिए पहले हमने इसको जोड़ा है, फॉर ऑल एक्स, एक्स इज मैथ बुक एंड पब्लिश्ड इन यूएस, एक्स इज पब्लिश्ड इन यूएस, यहां पे अब हमारा सेंटेंस पहले ब्रेक आया, ये आपका इफ है और उसके बाद देन एक्स हैज ब्लू कवर, सो ऑल मैथ बुक्स दैट आर पब्लिश्ड इन यूएस हैव ब्लू कवर, तो वेरिएबल ही हटाने हमने, ये देखो एक्स हैज ब्लू कवर यहां पर हमने सीखा, क्लियर है, यस सर। ये बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपसे जल्दी ही हो जाएगा, मैं चौथा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, तीसरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बी एक्स, ये मेरे को कल बताना, डी पार्ट करवा रहा हूं अब मैं आपको, क्योंकि डी पार्ट में दो फंक्शन वाला, दो वेरिएबल्स वाला यूज हो रहा है ना, तो एक वो करते हैं, तो ये देखो देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, अब दो वेरिएबल्स आ गए आपके, फॉर ऑल एक्स एम एक्स इंप्लाइज आर एक्स वाई, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट ज्यादा बंद कर दी, एक यहां पर शुरू, ठीक है ना बच्चे, अब दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं, तो इसका मतलब क्या है, पहले देयर एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट वाई, इसके बच्चे स्कोप के अंदर कहाँ कौन कौन से कहाँ तक है इसका स्कोप, यहां से शुरू होके ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, सर होल पूरा पर है होल पर है, यहां तक इसका पूरा स्कोप है, फिर अब ये फॉर ऑल है, इसका स्कोप कहां से कहां तक है, यहां से ही शुरू होगा ऑब्वियसली, और कहां तक है, ये भी पूरा ही है यहां तक, ये समझ में आया ना सभी को, पहले समझ में आया ना बेटा सभी को समझ, हाँ ओके, नेक्स्ट अब मूव करते हैं, इसको स्टेटमेंट देते हैं बच्चे, अगर मीटिंग खत्म हो गई ना तो इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना और कल पूछ लेना, तो देयर एग्जिस्ट वाई, 2 मिनट है वैसे, हो जाएगा क्वेश्चन वैसे तो, देयर एग्जिस्ट वाई ब्रैकेट, आप पूरा ब्रैकेट्स भी अब यूज कर सकते हो, इनफॉर्मली लिख रहे हैं ना हम तो, रफ में ही लिख रहे हैं, ब्रैकेट तो इसके अंदर ही होगा सब कुछ, ये क्या है, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फिर आगे आगे क्या एक्स इज अ है, मैथ बुक एक्स इज मैथ बुक, ठीक है ओके, आगे देन 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 एक्स इज अ ब्लू एक्स इंक्लूड्स वाई 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 इन बिब्लियोग्राफी, है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही था ना उसका मतलब, मैंने उसका सेंटेंस को बस थोड़े और तरीके से लिख दिया, सिंपल तरीके से लिख दिया है, द बिब्लियोग्राफी ऑफ एक्स इंक्लूड्स वाई, यहां पर मैंने लिख दिया एक्स इंक्लूड्स वाई इन बिब्लियोग्राफी, मतलब तो सेम ही है ना, एक्टिव पैसिव चेंज कर दिया बस हमने, यस सर ठीक है, तो अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, एक ट्राई करो,
पहले तो हमने ये अंदर के अंदर वाला सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट पहले आप सॉल्व कर दो। हाँ बोलो, देयर एग्जिस्ट वाई रहने दो। फॉर ऑल मैथ्स बुक यस बिल्कुल सही, आगे कंटिन्यू करो, बुक्स हो जाएगा ना फिर, फॉर ऑल है तो मैथ्स बुक्स। देन मैथ बुक्स है ना, मैथ बुक इंक्लूड्स वाई इन बिब्लियोग्राफी है ना। बनाओ आगे बनाओ, और वाई रह गया वेरिएबल, एक्स तो आपका एलिमिनेट हो गया है। 30 seconds रिमेनिंग बचे, जल्दी करो। बच्चे देयर एग्जिस्ट अ बुक वाई व्हिच इज इंक्लूड